जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज अगस्त का आखिरी वीकेंड और आज का व्लॉग बैंफ टाउन के बारे में है, वेस्टर्न कनाडा का एक खूबसूरत तरीन मकाम। अभी आपसे शेयर नहीं किया मैंने अपने व्लॉग सीरीज में और आज हम बैंफ टाउन की सैर करेंगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम माउंट नार्कोए पे आए हैं। ये जो सामने आपको सारा व्यू नज़र आ रहा है ना, ये बैंफ टाउन है और ये बैंफ टाउन के पास ही एक स्की हिल है माउंट नार्कोए। और आप वहाँ आए हैं, जाहिर बात है कि समर टाइम है तो यहाँ स्की का तो ऐसा नहीं सिलसिला है, विंटर में लोग आते हैं स्की करने के लिए। तो अब तो बिल्कुल यहाँ आप ये दिखाने आए कि यहाँ से बैंफ टाउन का व्यू कैसा है। बैंफ टाउन में है अभी, जिसका मेन बाज़ार है। सारी बात है कि आजकल कोविड की वजह से ये पहना ज़रूरी है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो देखा है ये बैंफ राइडर के पास है, क्योंकि ये जो सारा ये बुलेवार है ना, ये कोविड की वजह से इन्होंने बंद किया हुआ है। तो अब यहाँ जो है ना, ये वॉकिंग रास्ता है, ये जो बैठ के राइडर है के ऊपर बैठ के और टिक 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 स्कैन करते हैं और चलते हैं आगे। जी व्यूअर्स, ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये बैंफ स्प्रिंग होटल है जो कि यहाँ का बहुत बड़ा होटल है और पूरी दुनिया की ये चेन है, ये फेयरमाउंट की। और ये बैंफ स्प्रिंग होटल की शानदार बिल्डिंग की फुटेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
जी व्यूअर्स, ये जो जगह है केव एंड बेसिन, यहाँ से बैफ टाउन का आगाज हुआ। 1882 में रेलवे के 3 मजदूरों ने एक गार दरियाफ्त किया जिसके आसपास सल्फर वाला पानी चश्मों की सूरत में बह रहा था। यहाँ से बैफ टाउन की इब्तिदा हुई। आज हम यहाँ आए और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गार की क्या खसूसियत है और इसकी क्या तारीखी अहमियत है। जी व्यूअर्स, ये जो होटल है, केव के बाहर हम आते हैं ना, तो ये जो होटल आपको नजर आ रहा है, ये इस बारे में ये रवायत कायम है कि ये बैंफ टाउन का सबसे पहला होटल था। इसी होटल को बैंफ टाउन का पहला होटल कहा जाता है और ये उसी केव के बिल्कुल साथ है। जी वीवर, मैं आपसे एक बात शेयर करने लगा हूँ कि 1912 में ये जो सल्फर वाटर है ये ऊपर से पहाड़ों से आता था और 1912 में इस पानी को वो बेचना शुरू हो गए, क्योंकि ये एक अपना हीलिंग वाटर था जो जल्दी बीमारियों को दूर करता था। और 1980 में यहाँ की गवर्नमेंट ने उस पानी को बेचना बंद कर दिया, यानी कि 1912 से लेकर 1980 तक ये पानी बोतलों में भरकर दिखता रहा और पूरे कनाडा में जाता रहा, क्योंकि इससे जो जल्दी बीमारियां हैं ना वो दूर होती। जी व्यूअर्स, ये वो केव है जिसको उन 3 मजदूरों ने, रेलवे के मजदूरों ने दरियाफ्त किया 1883 में और यहाँ से ये बैंफ टाउन की इब्तिदा हुई जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। ये वही केव है जो सबसे पहले उन्होंने दरियाफ्त किया। अब हम बैंफ के मशरकी हिस्से की तरफ आए हैं। यहाँ झील में नवांका है और ये झील 21 किलोमीटर लंबी है और 142 मीटर गहरी है। ये कनेडियन रॉकीज में दूसरी बड़ी झील है। इससे आगे झील टू जैक है। यहाँ से होकर हम टू जैक भी जाएंगे और उसके भी मनाजर आपके साथ शेयर करेंगे।
जी व्यूअर्स, ये है बूफ फॉल, इसको बूफ फॉल कहते हैं और ये बड़ी प्यारी खूबसूरत आबशार है। जी व्यूअर्स, आज इस वक्त हम टू जैक लेक पे हैं और आज का हमारा जो व्लॉग था वो इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। जो बैंफ टाउन के बारे में था और उसके आसपास जो अट्रैक्शन थी उनके बारे में था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।